नमस्कार, मैं हूं धनश्री। के आर न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजधानी भोपाल में विंटर हॉल में गांधी प्रतिमा के पास बैरसिया में हुए गौशाला में गाय की मौत के मामले में मध्य विधायक आरिफ मसूद ने 800 गाय की मौत का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि दोषियों पर NSA की कार्रवाई की जाए और जो दोषी है उन पर कार्रवाई नहीं की जा रही है, उन्हें चाय पिलाकर भेजा जा रहा है। यदि इसकी जगह कोई विशेष वर्ग का होता तो उस पर NSA की कार्रवाई की जाती और उसके मकान भी तोड़ दिए जाते। मैं मांग करता हूँ कि इन पर भी कार्रवाई हो और मकान तोड़े जाए। वहीं उन्होंने मंत्री सारंग के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि यदि उनकी जगह मैं मंत्री होता तो इतनी गाय की मौत होने के बाद मंत्री पद छोड़ देता। भोपाल से संवाददाता आदिल खान की रिपोर्ट। दोषियों पर रासुका की कार्रवाई करो, दोषियों पर रासुका की कार्रवाई करो, दोषियों के मकान तोड़ने की कार्रवाई करो। उग्र सिंह चौहान शर्म करो, उग्र सिंह चौहान शर्म करो, दोषियों को संरक्षण देना बंद करो, दोषियों को संरक्षण देना बंद करो। शिवराज सिंह चौहान शेम शेम, शिवराज सिंह चौहान शेम शेम। दिन हो गए, 800 गौ माताएं दफनाई गई। सरकार मौन है, शिवराज सिंह जी मौन है, मंत्री मौन है। बातें टालने के लिए इधर उधर की बातें कर रहे हैं, गाय बजाए कुछ भी बयान दे रहे हैं। शर्म आना चाहिए। गौ माता की पूजा करते हैं, गौ माता को बड़े उससे फ़ोटो चलाते हैं, चूमते हुए दुलारते हुए। मेरा उनसे सवाल है कि 800 गौ हत्या करने वाले पे कार्रवाई रासुका की क्यों नहीं हुई, उसका मकान क्यों नहीं ढाया गया, और अगर उसका संरक्षण है तो फिर इतना सीना चौड़ा करके बोले सरकार के हाँ उसको हमारी पार्टी का हमारा संरक्षण है। ये भेदभाव, ये पक्षपात कब तक चलेगा? देश में नफरत फैलाने वाले लोगों से मेरा सवाल है कि एक गाय अगर रोड पर जा रही होती है और एक व्यक्ति टकरा जाता है तो उस इंसान को उस जानवर से ज़्यादा बुरी तरह से सड़कों पर मारते हुए मंजर हमने आँखों से देखे। आज 800 गौ हत्याएँ होने के बावजूद सरकार चुप है, ये एक शर्म की बात है। आज हम लोग धरना दे रहे हैं कि उनके ऊपर मीसा लगाओ, कार्रवाई करो। सर, यूपी में OBC के ऊपर हमला, ये शहर के लिए शर्मनाक घटना है। पूरा शहर शर्मसार हो रहा है, पूरा देश ये सवाल कर रहा है कि भोपाल के अंदर 800 गौ हत्या हो गई, इस पर आप लोग क्या कर रहे हो? इसलिए हम लोग धरने पर बैठे हैं और आपसे भी यही चाहेंगे कि 800 गौ हत्या वालों को जब तक जेल के अंदर नहीं पहुँचाएँ तब तक सुकून से ना। सारंग ने भी बयान दिया है कि ये नौटंकी करना बंद करें। उनसे पूछो, वो सरकार में मंत्री हैं, कार्रवाई क्यों नहीं करी, NSA क्यों नहीं लगाई? इंदौर में एक चूड़ी वाले के ऊपर पास्को लग सकती है, वो 6 महीने जेल ले सकता है। 800 गौ हत्या वाला खुला घूम सकता है, पुलिस चाय पिला के कॉफ़ी पिला के छोड़ रही है। क्या है, क्या मजाक है, क्या मजाक है। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।